गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दी थ्री फेज VSI इन केस ऑफ 120 डिग्री कंडक्शन मोड। इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट दी 180 डिग्री कंडक्शन मोड एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दी 120 डिग्री कंडक्शन मोड। सर्किट डायग्राम रिमेन सेम फॉर इन दिस केस एंड T1 T2 आर कॉल्ड पॉजिटिव ग्रुप SCR and for positive output we can on T1, T3, T5. Similarly, T2, T4, T6 are called negative group SCR and for negative output we can on T4, T6 and T2. For R phase we can on T1, T4. For Y phase we can on T3, T6. For B phase we can on T5 or T2. Now, timing diagram or conduction pattern. Last lecture में हम लोगों ने timing diagram या conduction pattern desired output की waveform को देखकर develop किया था। आज हम लोग उसी method का alternate method देखेंगे और हम लोग ये 180 degree conduction mode से start करते हैं अपना timing diagram। okay? So, for 180 degree conduction mode, let me write angles value. यहाँ पे एंट्री करेंगे हम लोग आर फेस की, दैट मीन्स हम T1 या T4 ऑन करेंगे। सिमिलरली मिडिल ब्लॉक में हम लोग बी फेस की एंट्री करेंगे, T5 या T2 ऑन करेंगे और लास्ट ब्लॉक में हम लोग वाई फेस की एंट्री करेंगे T3 या T6 ऑन करके। तो फर्स्ट T1 हमारा स्टार्ट करेगा जीरो डिग्री से एंड कंडक्ट करेगा अप टू 180 डिग्री एंड आफ्टर 180 डिग्री T4 स्टार्ट कंडक्शन एंड कंडक्ट फॉर और अप टू 180 डिग्री। जैसमीन T1 की एंट्री यहां से हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट T2 स्टार्ट फ्रॉम आफ्टर 60 डिग्री ऑफ T1 and conduct up to 180 degree, that means 180 degree deviation, and after T2, T5 conduct here. This one represent starting angle of T1. Third, T3 start after
120 degree of T1 and conduct up to 180 degree duration that is up to 6 block since each block has 30 degree angle that means 30 into 6 gives our 180 degree duration and after that T6 conduct that means T1 हमारा 0 degree से start होगा और T2 हमारा T1 के 60 degree बाद that means T2 के लिए T2 is starting point 0 plus 60 क्योंकि T1 हमारा 0 से start हुआ है that means T2 start करेंगे हम लोग 60 से. Similarly T3 हमारा start करेगा 120 से क्योंकि T1 0 से start हो रहा है. ये तीनों थायरिस्टर के स्टार्टिंग पॉइंट हैं. अब T1 कंडक्ट करेगा अप टू 180 डिग्री ड्यूरेशन दैट मीन्स 6 ब्लॉक में एंट्री करेंगे और इसके बाद हम लोग R फेज के नेक्स्ट थायरिस्टर को ऑन करेंगे दैट मीन्स T4 को. सिमिलरली इधर हम लोग अब T2 की एंट्री करेंगे अप टू 6 ब्लॉक और आफ्टर 6 ब्लॉक हम लोग बी फेज के नेक्स्ट थायरिस्टर को ऑन करेंगे. 1 यह टी फाइव 1 2 3 4 5 एंड 6 ब्लॉक. सिमिलरली टी थ्री सेकेंड ब्लॉक थर्ड ब्लॉक फोर्थ ब्लॉक fifth block and sixth block. Now we enter T6, 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 T6 and T6. This is our timing diagram or conduction pattern. Now we develop for 120 degree conduction mode. Now first we discuss drawback of 180 degree conduction mode. If we observe 180 degree point at omega t is equal to 180 degree, T1 हमारा ऑफ हो रहा है एंड T4 हमारा ऑन हो रहा है. सो देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ शॉर्ट सर्किट अक्रॉस द सप्लाई व्हेन इनकमिंग SCR इज स्विच on before the outgoing SCR belonging to same group switch off. Second, the short circuit possibility may occur at omega t is equal to
180 डिग्री, 60, 240, 180 एंड 120 एंड 300 वेयर द ट्रांजिशन टेक प्लेस. लेट मी राइट इट इन अ सीक्वेंस. सो अवॉइड दिस प्रॉब्लम. In 120 degree conduction mode, each SCR conduct for 120 degree and 60 degree duration allotted for commutation timing or conduction pattern for 120 degree conduction mode. Let me copy the conduction pattern. यहां पे T1 हमारा 0 से स्टार्ट कर रहा था, कंडक्ट करेगा अप टू 120 डिग्री एंड 120 से 180 डिग्री हम थायरिस्टर ऑफ रखेंगे. सिमिलरली T2 180 से 240 तक हम ऑफ रखेंगे. सिमिलरली हमारा T5 स्टार्ट कर रहा है 240 से, तो हम 0 से 60 तक ऑफ रखेंगे. 240 से 360 ये कंडक्ट करेगा और 0 से 60 हम इसे ऑफ रखेंगे. सिमिलरली T3 हमारा स्टार्ट कर रहा है 120 डिग्री से और कंडक्ट करेगा ये अप टू 4 ब्लॉक और 240 से 300 हम इसे ऑफ रखेंगे. सिमिलरली हमारा T6 हम ऑफ रखेंगे 60 से 120 डिग्री क्योंकि ये 300 से स्टार्ट कर रहा था और नेक्स्ट हम ऑफ रखेंगे T4 को 300 से 360 क्योंकि T4 हमारा 180 से स्टार्ट कर रहा है. यहाँ पे हम लोग प्लॉट करेंगे अपना लाइन वोल्टेज और यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे अपना फेज वोल्टेज. पाई बाई थ्री, टू पाई बाई थ्री, पाई, फोर पाई बाई थ्री, फाइव पाई बाई थ्री एंड टू पाई. T1 T6 ऑन, T1 T2 ऑन, T2 T3 ऑन, T4 T3, T4 T5. Now calculation part. First, for 0 to 60 degree when T1 and T6 is on. Let me draw the circuit diagram. Since T1 and T6 is on, we can remove all other remaining thyristor. Here positive of supply comes across R phase and negative comes across Y phase and B disconnected from supply. Now if we draw the circuit diagram to calculate our phase voltage and line voltage, one resistance from positive terminal of supply and one from negative
and one is kept open. Here R phase connected from positive of supply and Y phase connected negative and V is open. Here we get our line voltage and here we get our phase voltage. From this circuit we can write VR is equal to VS by 2. This is our phase voltage and VRY is equal to VS. This is our line voltage. That means line voltage 0 to 60 VS and phase voltage 0 to 60 VS by 2. Now for 60 to 120 degree, when T1 and T2 on, copying the figure once again and removing other thyristor . Now here Y phase disconnected from supply and R phase get positive and V phase get negative of supply. If we draw the circuit diagram for phase voltage and line voltage, R phase connected from positive of supply and V phase connected from negative of supply and Y phase kept open. This will give our phase voltage and this one gives our line voltage. Since this branch is open, so output current or current across it 0. And from this circuit we can write our phase voltage VR is equal to VS by 2. Similarly VRY VS by 2. So here VS by 2 and here VS by 2. Now third, 120 degree to 180 degree, when T2 and T3 on, removing T1, T4, T6, T5. Now R phase disconnected from supply and Y phase get positive and V phase get negative of supply. If we draw the circuit for calculation of output voltage, Y phase get positive and V phase get negative. This will give our phase voltage and this one give our line voltage. Since branch is open, so current is 0. From this circuit we can write VR is equal to 0 because no current in respective branch, and since Y is greater than VR, so we can write VRY as a negative of VS by 2. Let me draw the output voltage minus VS by 2. Now, if we complete our waveform for
remaining cycle, it will comes as minus Vs by 2 and Vs by 2. Similarly, here minus Vs by 2 up to 120 degree, and in last 60 degree voltages appear 0. Now calculation, if we calculate phase voltage RMS value, it comes as Vs upon root 6. Similarly, line voltage RMS, we can multiply root 3 with phase voltage and it's come as Vs upon root 2. Fourier analysis of phase voltage, we can write N 1 3 5 2 Vs upon N pi sine N pi by 3 sine N omega t or pi by 6. If we calculate distortion factor from Fourier analysis, it comes as 3 by pi, and this one same as 180 degree conduction mode. Now if we calculate our TSD, it will come as 31%, same as 180 degree conduction mode. 31%, that means still large value and reduce by modulation technique, which we will cover in next lecture. Thank you for watching.